सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और इस नए वीडियो पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पबजी गेम में जब भी आप अपनी टीम को कोई भी मैसेज करते हो तो वहाँ पे उस मैसेज जो कि सर्कल आता है, सर्कल के ऊपर जो भी मैसेजेस रहते हैं उनको आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी मैसेज होते हैं पबजी में, वो जो भी कुछ होते हैं एनिमी हेड लेट्स गो एंड जो भी, आप उनको चेंज कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे आप अपना ओके थैंक्स लेट्स गो वगैरह कैसे आप लगा सकते हो, तो इसी वीडियो में आप लोगों को बेसिकली इसी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कर जाऊंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो जो रेड वाला बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा मैं जब भी कोई आगे नया वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। सो गाइस, प्लीज़ उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ बताता हूँ कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने गेम पर आ चुका हूँ। तो गाइस, अभी जो सर्कल के ऊपर जो भी मैसेजेस आते हैं उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले जो आपको इन्वेंट्री में जाना है, एंड जैसे ही आप इन्वेंट्री में जाओगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये जो क्रेट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो क्रेट है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस क्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, क्रेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलमेट के नीचे कमेंट वाला ऑप्शन लिखा है, तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे इस कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे सर्कल के ऊपर जो भी मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस, अभी आपको यहाँ पे चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में जो लिखा हुआ है चेंज, तो सिंपल है दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देना है। एंड चेंज पे क्लिक जैसे ही आप कर दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो माइनस लिख के आ रहा है, तो आप जिस पर भी हटाना चाहते हो सिंपल आपको यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको ये थैंक्स जो लिखा हुआ है तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, इसके यहाँ पर कुछ और लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको माइनस पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, माइनस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो आप यहाँ से थैंक्स जो था लिखा था वो अभी यहाँ से हट चुका है। तो इसकी जगह पर मैं कुछ और लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ, तो उसको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हेल्प एंड फोर में, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थैंक्स ही लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थैंक्स पे यहाँ पे देख लेता हूँ थैंक्स कहाँ पर है, तो ओके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स, तो सिंपल आपको यहाँ पे थैंक्स पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पे येलो लाइन हो जाएगा तो एंड इसके बाद ये सिलेक्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैसेज को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मैसेज चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई वॉइस को चेंज कर चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट वॉइस जैसे कि लिखा है, तो आपको यहाँ पे दो वॉइस मिलती है, क्लासिक वॉइस एंड एक डिफ़ॉल्ट वॉइस, तो इन दोनों में से आप कोई भी वॉइस को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो गाइस, जिस तरीके से आप जो है अपने सर्कल वाले सभी मैसेज को चेंज कर सकते हो, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैसे हम सर्कल के मैसेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज करने के बाद आपको ओके जरूर कर देना है, सिंपल है कि आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है और आपकी जो भी सभी है चेंज हो जाएंगे। सो गाइस, वीडियो देख लो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।